17वें लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपना दमखम दिखाने में जुट चुकी हैं। उम्मीदवार चुनावी प्रचार कर विपक्ष को अपने सामने कमजोर साबित करने में लगे हैं। उसकी गहमा गहमी राजनीतिक तापमान बढ़ा रही है। मतदाताओं को रिझाने में उम्मीदवार कितने सफल होते हैं तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। फिलहाल जनता जनार्दन अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को लेकर क्या राय रखती है, ये जानने के लिए सन्मार्ग पहुँची हुगली लोकसभा केंद्र के एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र चंदननगर में। इस विधानसभा क्षेत्र में भद्रेश्वर नगर पालिका और चंदननगर नगर निगम आता है, जहां लगभग हर तरह के मतदाता हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा मतदाताओं ने। किसी जगह काम नहीं मिल रहा है, किसी को काम मिल रहा है तो दो दिन मिल रहा है, तीन दिन नहीं मिल रहा है। परिवार चलाना मुश्किल हो गया, परिवार चलाना तो कर छोड़िए, जैसे भी आदमी खा कर जी ले रहा है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई बहुत नुकसान हो रहा है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को दिए थे उसका ट्यूशन फी भी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं स्कूल का फी दे पा रहे हैं, लास्ट में छुड़वा कर सरकारी स्कूल में भर्ती किया जा रहा है बच्चों को। आदमी का इतना परिस्थिति खराब है, मैंने बद से बदतर हो गया जिंदगी। आते नहीं है, सामने नहीं आते, आते अरे 6 महीना पहले आई थी रत्ना देना, वो आश्वासन दे के गई। इंद्रनील सिंह जी आश्वासन दे के जाते हैं, हम लोग जाते हैं उनके पास बार बार, आश्वासन ही मिलता है, उसके सिवा कुछ मिलता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि मिल जल्दी से जल्दी खुले, नहीं तो जो श्रमिक है वो लोग चाहता है कि हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। हमारे यहाँ जो भी मैंने ये हमारे जो इलाका का जो है सबसे बने पिछड़े वार्ड में गिना जाता है, बड़ा जो सरकार बैठा है वही सरकार अभी ठीक है। हमारे अष्टमल सरकार स्टेटे रही है, हमारे खुबी भलो दीदी মমতা ব্যানার্জী খুবই ভালো, ঠিক আছে। এবং আমরা সুস্থভাবে আমাদের এলাকা আমাদের নিজেদের মতো সবাই ভাই বোনের মতো চলাফেরা করি, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা গরিব, আমরা মধ্যবিত্ত, আমাদের কোনো ইয়ে নেই, কিন্তু আমরা চাই একটা এমন সরকার আসুক আমাদের সকলের সুবিধা হয়। আচ্ছি সরকার চাই যে সবকে দেখেগা, চাকরি হোগা সবকা, এসা কিছু হোগা, আমার স্টেটমেন্ট তো বহুত ঠিকই হ্যায়। আমি এমন সরকার চাইছি যে সরকার সত্যি করে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবে, সত্যি করে গরিব মানুষের পাশে দাঁড়াবে, কোনো রকম ধান্দা নিয়ে নয়, স্বার্থ নিয়ে নয়, এমন সরকার চাইছি। আমি যে সরকার চাইছি সাধারণ মানুষের দিকে তাকাবে এবং সাধারণ মানুষ ভালোভাবে থাকবে, খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে, এর আমি সরকার চাইছি। আর এই যে নোটবন্দি হয়েছিল, এই নোটবন্দির জন্য আমাদের ভীষণ অসুবিধা, আমি কেন এবং সাধারণ মানুষের প্রচণ্ডভাবে অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল। এই যে সরকারি এই বিজেপি সরকার যে করেছিল নোটবন্দিটা, এটাতে খুব অসুবিধা হয়েছিল, আমাদের ভীষণভাবে অসুবিধা হয়েছিল। মোদী সরকার চাই যে রোজি রোটি হ্যাঁ ওই তো মেন পয়েন্ট বন্ধ হ্যাঁ আর ইসকে বারে মে আর কে বল সকতে হামলোক।